वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और क्या हाल चाल। तो आज भी संडे है, तो थोड़ा जल्दी उठे थे, बट थोड़ा सा काम था तो वो खत्म करके आ गए अपने टेबल पे। तो सबसे पहले वही सेम रूटीन, अभी वर्ड ऑफ द डे लिखेंगे जो भी वर्ड्स इसमें आता है, और उसके बाद फिर न्यूज पढ़ेंगे। लेकिन आज एक चीज और है कि आज जैसा बताए थे, संडे को रेस टू 99% हेड स्टार्ट, ये हमारे पोर्टल पे आ रहा है, उसमें बताया जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कराए जाएंगे, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका एक्यूरेसी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसको छोड़ देना है, नहीं बनाना है, वो सब सारे डिस्कस होंगे। लगभग 3 घंटे का वो पूरा सेशन चलेगा, तो देखते हैं, स्टार्ट कर लेंगे। 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा वो, तो 10 बजे से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा वो भी देखेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी न्यूज पढ़ते हैं। कल के ब्लॉग में जैसा बताया था कि आज रेस टू 99% होने वाला है, हेड स्टार्ट, गो फ्रॉम जीरो टू हीरो, मतलब बेसिक्स भी है और कुछ तो वही सर है हमारे कैरियर लॉन्चर की, और वो कुछ 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 डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच लगाना है, एग्जीक्यूट करना है, कितना परसेंट अटेम्प्ट करना है, कितना एक्यूरेसी होना चाहिए, ये सारी चीजों को लेके। तो ये ऑलमोस्ट अभी 3-4 घंटे का क्लास चलने वाला है। अगर मेरे को इसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा तो वो हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, आप लोग भी देख सकते हैं उसको, बहुत यूजफुल है। तो अभी हम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, जो भी इसका आउटकम होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तभी अंकेश के रूम पे आ गए हैं और अकेले ही, अभी मेरा इतने दिन से खाना पीना चल रहा है, ये देख रहे हैं कि अभी खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, खुद ही बर्तन बर्तन धोना है, इतना इतना घर जाता है। अंकेश जल्दी आओगे, और फिर अभी क्लास वो वाला जो बाकी था रेस्ट 99% वो भी करना है, थोड़ा सा भी रोक के आ गए। तो अभी जाते हैं वापस, खाना पीना खा के फिर कंटिन्यू करते हैं। तो तभी खाना खा के वापस आ गए थे और जो क्लास देख रहे थे रेस्ट 99% वो कम्प्लीट किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, यूजफुल क्लास था, मतलब क्लास मतलब वही सेशन था। तो बेसिकली उसमें क्या हुआ था ना कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चंस पे कितना एक्यूरेसी रहा है अभी तक, मतलब स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या रहा है, वो सारा चीज बताया जा रहा था। कितने क्वेश्चंस करने चाहिए ऑन एन एवरेज, ये चीजें बताई गई थी। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा था, सर खुद सॉल्व करके बता दे रहे थे कि ये अप्रोच से करना होता है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, इस पे दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि अपन सारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सारी चीज कहते हैं, मतलब और सारे सेक्शंस का हुआ, क्वांट्स, बीआरसी, एलआरडीआई, ये तीनों सेक्शन का, मतलब सारे अलग अलग सर थे, वो सारे बताए कि कौन सा। तो वही लास्ट में वही बात बोले कि आपको एक कोई सेक्शन तो आपको बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा, जिसमें कि अगर बाकी कुछ छूट जाता है तो इसमें आप खींच दो, 10, 11, 12 जितना हो पाए वो बना दो, ताकि उधर ऑन एन एवरेज मैनेज हो सके। तो ये सारी चीजें ही हो रही थी। देखते हैं अगर वो क्लास का मेरे को रिकॉर्डिंग मिलता है तो हम शेयर कर देंगे, अगर क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो पोर्टल पे होता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और अगर नहीं भी हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बता ही दिए। और एक डेली डोज जो आता है मेरे पोर्टल पे, उसका ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट किसी तरह आपको भेज दिया करें, नहीं तो वो फोटो खींच के उसका हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप जिनको चाहिए अगर डेली डोज का क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, वो शेयर कर देंगे। और फ्री मॉक टेस्ट का जो बोले थे कि अगर किसी को फ्री मॉक टेस्ट देना है तो आप मेरे को बता सकते, अगर जिनके पास सोर्स है कि देना है तो कहीं से तो वो दे सकते हो, बाकी अगर ऐसे फ्री डेमो मॉक टेस्ट को अगर किसी को चाहिए तो बताना मेरे को, हम लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, आप वहां से दे सकते हो। तो अभी खाना खा के आए, थोड़ा सा क्लास खत्म करने के बाद थोड़ा नैप भी ले लिए, क्योंकि सुबह 5:30 के जगे हुए थे तो 1 घंटा का पावर नैप ले ली, क्योंकि अभी फिर लंबा खींचना है। तो अभी बैठते हैं, क्वांट्स करते हैं, पीएल का ही रिवीजन कर रहे हैं अभी, मतलब जस्ट ऐसा नहीं बना के छोड़ नहीं रहे, पीएल को ही रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ न्यू वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है जिसमें वेरिएबल्स में थोड़ा फंस जाते हैं, तो वो सब क्लियर करना है। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद लगता है कि क्वांट्स करते करते ऑलमोस्ट शाम हो जाएगा, अभी लंबा टाइम है। तो अगर जल्दी सेक्शन खत्म, मतलब जल्दी अगर टॉपिक खत्म हो गया तो एलआरडीआई का क्वेश्चन करेंगे, नहीं हुआ तो खाना खाने के आने के बाद तो मतलब 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो लंबा खींच जाता, और नहीं तो
कल ऐसे भी मंडे कल भी क्लास नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि दो तीन खींच ले। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको, बाकी जो होता है अगर कुछ नया मिलता है तो आपसे शेयर करते हैं। तो अपना डिनर कंप्लीट हो गया, मतलब पढ़ के फिर चले गए थे डिनर करने, वहां से आ गए और फिर अभी थोड़ा सा अभी टाइम है, अभी आराम से 1-1.5-2 घंटा पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल अगर थोड़ा लेट भी हो गया, सपोज 6:30 भी बज गया उठने में, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कल क्लास है नहीं, वैसा दिन में भी खींच सकते हैं लंबा। तो क्वांट्स करने के बाद अभी LR सॉल्व करेंगे, जो सीट जो ग्रुप में भेजे वो, इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है, तो ये पूरा अभी हो नहीं पाया है क्योंकि इतना जितना जल्दी क्वांट्स और VIRC बन जाता है इतना जल्दी ये LR वगैरह तो नहीं बनता है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, दिक्कत तो आ रहा है, बट यही कि करते तो रहना पड़ेगा, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं, पार्ट वाइज तोड़ते हैं उसको, फिर वैसा लिखते हैं, फिर डेटा बनाना, टेबल बनाना, ऐसा कुछ कर करके ट्राई कर रहे हैं हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो ही जा रहा है, दिक्कत आ रहा है मानते हैं, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, अभी कोशिश करेंगे इसको एक जो बना एक या दो एटलीस्ट बनाने का भी टाइम है, तो जो भी होगा इसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो ठीक है। वैसे ये सीट आप लोग के इसमें ग्रुप में तो डाल ही दी, आप लोग भी चेक कर सकते हो। आंसर इस सीट का अभी नहीं आया है क्योंकि क्लास में भी ये पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद मिलेगा मेरे को। सॉरी 30 क्वेश्चन है, इधर भी 3 क्वेश्चन था, दिमाग से निकल गया था। अरे हाँ, तो देख लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, वो मेनली मेरा टाइम तो वो चला गया देखने में, रेस टू 99% अलग, बट यूजफुल था, वेस्ट नहीं हुआ उतना टाइम। आप पढ़ते तो वो भी, सपोज कुछ सम सॉल्व कर लेते तो वो भी काम ही आता, बट वो भी देख के आइडिया पता चल जाता कि क्वेश्चन देख के समझ में आने लगेगा किसको करना है किसको नहीं करना है, क्या अप्रोच लगाना है नहीं लगाना है। फिर से आज बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे स्टार्ट करे, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है, निगेटिव थॉट्स आते हैं, वो मेरे साथ भी होता है, डेली होता है। इसमें है कि आपको खुद ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उसमें हम कितना भी ज्ञान दे दे, आप कहीं से सुन लो ज्ञान ले लो, कोई काम नहीं आएगा जब तक आप खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हम ऐसे पढ़ ले रहे हैं, वीडियो बना ले रहे थे, मेरा बहुत मेरे दिमाग में भी निगेटिव थॉट्स आता है। कंसिस्टेंसी हम बना के रखें, क्योंकि अपना वो जो एक प्लान जरूरी होता है, प्लान बहुत लोग बोलते हैं प्लान बनाना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, अंकेश जो आप जानते ही है उसका भी देखते हैं, वो भी पूरा अपना डेली रूटीन। तो क्या होता है ना कि एक रूटीन जब बना हुआ रहता है पढ़ने का या किसी भी चीज को करने का जैसे इसका, तो फिर वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाता है कि अच्छा इसके बाद ये करना है, तो एक प्लान रहता है कि सपोज अब 2 घंटे VRC कर लिए, अब चलो बीच में 15 मिनट ब्रेक ले लिए, तो फिर इसके बाद ये क्वांट करना है या फिर LRDI करना है, तो कंसिस्टेंसी वैसे ही आ जाएगा करते करते रहने से। मन बीच में मन नहीं लगे तो आप ब्रेक ले लो, थोड़ा चाय वाय पी लोगे जो पीते हो, थोड़ा 10-15 मिनट का, ऐसा नहीं कि अब वो रील्स का शॉट ले रहे हैं, रील्स चला रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। वो आदत था एक, बट वो वही बोले ना, फोन स्टैंड पे लगा के छोड़ दिए तो छोड़ दिए, वैसा वाला सीन है। हम तो अपना सिंपल सा कि अगर मेरे को थोड़ा ज्यादा कुछ बोरिंग लगने लगता है तो एक नॉवेल्स है उठाते हैं उसका लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, तो वैसा फेज बन जाता है वापस से पढ़ने का। ऑनलाइन नॉवेल्स का मेरे को उतना आइडिया नहीं कि कहाँ से मिलता है, बट हम जो बोल रहे थे वो हम सर्च करके बता देंगे या फिर देख ढूंढ के बता देंगे कि ऑनलाइन नॉवेल्स आप कहाँ से पढ़ सकते हो, अगर वहां से भी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप बहुत महंगी बुक आती नहीं है, अब उतना महंगा बुक मंगाने की जरूरत नहीं है, 100-150 रुपए की बुक आती है, 1-2 मंगा लो, फिजिकल बुक पढ़ोगे खास करके नॉवेल, तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। फोन में क्या है कि आप फोन में स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, कुछ नोटिफिकेशन आया फिर उसमें लग गए, कॉल आ गया, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जाते जाते वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए, कुछ बताने के लिए पूछने के लिए सेम कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम, इंस्टा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।